When I contacted many Hindu Bengali family that why not you are applying under CA, they told me that we are convinced about our Indian citizenship. We entered into the country prior to 1971 and we do not want to apply under CA. Rather, we want to prove our citizenship in a court of law. So that is the general sentiment among the people in Assam. However, there will be exception. So we will give a chance to all the people whose cases are pending in different courts to apply for CA. But of course, I can tell my PP to flag the amended provision before the tribunal. Okay, this is the amended law. But direction has to come from the court itself. And whether there is a direction or no direction, they can anyway apply under the in the portal. Portal is open. मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा. मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों की होने वाला है. अब बोलो तुम सच है बोल के. मैं बोल रहा था आप लोगों का, आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का CM यही करने वाला है. जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको. जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? आसाम के मुख्यमंत्री का रीसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए. ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के CM में. फिर जो मुस्लिम है उन्हें क्या करना, जो मुस्लिम है उन्हें क्या करना बताओ? तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है. ये एक्ट, ये काला कानून है, CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है. ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को. और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीजें तैयारी की जा रही है. आसाम की मिसाल ले लो आप. नहीं, लेकिन एक ये भी वो कह रहे हैं कि जो बाहर जो पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेंट या फिर मुस्लिम मेजर तो सवाल देखिए क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू सिख अफगानिस्तान में बांग्लादेश में थे उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल रहा था. मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया. ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की. और हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाके लड़ना पड़ेगा. ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है.